आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज, मैं रमेश कुमार यादव। आइए आपको दिखाते हैं खबरों की हकीकत। समस्तीपुर शहर और आसपास के इलाकों में चोरी और लूट की विभिन्न कंपनियों की 58 मोबाइल पुलिस ने विभिन्न स्थानों से छापेमारी कर बरामद किया। हालांकि इस दौरान अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। मोबाइल बरामद करने में पुलिस को सफलता पिछले 10 दिनों में 4 अलग अलग टीमें ने कर दिखाया। SP विनय तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि जिला में ज्वाइन किए थे तो उन्होंने मोबाइल चोरी, छीनती तथा खो जाने के मामले में समीक्षा की थी तो बड़े पैमाने पर मोबाइल गायब होने की सूचना मिली। सूचना यह भी थी कि उक्त मोबाइल से आपराधिक घटनाएं हो रही है, जिसके बाद इस मामले में 4 अलग अलग टीमें का गठन किया गया। अलग अलग टीमों द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान के तहत विभिन्न स्थानों से 58 मोबाइल बरामद की गई। उक्त बरामद किए गए मोबाइल धारकों को बुलाकर वापस किया जा रहा है। बता दें कि समस्तीपुर में यह पहली बार हो रहा है जब रिकवरी की गई मोबाइल ऑन द स्पॉट मोबाइल धारकों को फोन कर बुलाकर दिया जा रहा है। SP ने बताया कि पुलिस की टीम बाइक चोरी को लेकर भी काम कर रही है। इसके लिए अलग अलग टीम गठन किया गया है। पूरी टीम शहर की चारों तरफ लूट की बाइकों को सूचना संग्रह पर उसे बरामद करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि खोई हुई चीजें मिलने पर लोगों को अत्यंत खुशी मिलती है, इससे लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास भी बढ़ता है। इसी उद्देश्य से टीम बनाकर ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से दौरान चोरी और लूट की गई मोबाइल बाइक रिकवरी के लिए पुलिस की टीम काम करेगी, जिससे अलग अलग 2 वर्षों से खंडों में बांटा गया। अभी 2 वर्ष के अंदर चोरी की लूट की गई बाइक और मोबाइल को रिकवरी के लिए पुलिस की टीमें काम कर रही है। मोबाइल के बाद जल्द ही बड़ी संख्या में बाइक भी बरामद होने की संभावना है। इस मौके पर अपना खोया हुआ मोबाइल पाकर लोगों में काफ़ी खुशी उसमें चल रहा है। धीरे धीरे हम लोग पीछे जाते रहेंगे। हम लोगों का प्रयास है कि पब्लिक को जो उनका सामान चोरी हुआ है, जो लोगों का अपने सामान से लगाव होता है, वो उनको वापस मिलना चाहिए, उनका हक है। इससे प्रयास कर रहे हैं, डेफिनेटली बढ़ना चाहिए। हम लोग अपना काम और भी बहुत सारे चैलेंज हैं, ये तो मात्र एक चैलेंज है हमारे पास। तो लगातार जब तक मोबाइल चोरी होते रहेंगे तब तक तो हम लोगों का आप नहीं कह सकते कि हम लोग सफल हैं, इसको सफलता नहीं मानी जाएगी। बस एक छोटा सा प्रयास हम लोगों का ताकि कुछ सामान वापस उठाया जाए। समस्तीपुर में ये पहली बार ऐसा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? मतलब मोबाइल बरामद प्रयास कर रहे हैं कि जो भी ऐसे सामान है और भी अन्य टीमें हम लोगों ने बनाई हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल रिकवरी टीम भी बनाई है, तो शीघ्र ही देखेंगे उसमें भी कैसे कार्य देना। चूँकि आप देख रहे होंगे कि शहर में मोटरसाइकिल जो आम जनता की समस्याएँ हैं वो यही समस्याएँ हैं, तो इन समस्याओं से निपटने के लिए हम लोग कार्य योजना बना रहे हैं। जैसे आप शहर में देखते होंगे कि मोटरसाइकिल चोरी की बहुत गंभीर समस्या है, इसका जब आंकड़ा हम लोगों ने देखा तो कुछ हॉटस्पॉट्स भी आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ से लगातार घटनाएं हो रही हैं, उसको लेकर भी हम लोग रणनीति बना रहे हैं। और मेरे साथ जो टीम खड़ी है, ये टीम ने ही बहुत अच्छा कार्य किया है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँगा कि मेरा जो अपना अनुभव है उसके हिसाब से इतने जल्दी इतना